Brainchow Reactions, मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जैद अली के लेटेस्ट वीडियो पर। इस वीडियो का टाइटल है लाइफ इन रमजान। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने जैद अली के चैनल पे ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले उनके चैनल पे जाओ और देखो, क्योंकि ये वीडियो कल ही रिलीज़ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से जैद अली को कुछ भी नुकसान हो व्यूज़ का। तो लेट्स चेक इट आउट। अबे बुशरा, सारा दिन सोएगी क्या? जल्दी उठ। जी अम्मी, क्या हुआ? इफ्तारी में सिर्फ 8 घंटे रह गए। कुकिंग की नहीं, किसने करनी है? तेरे बाप ने। चलो जल्दी आ। सिर्फ 8 घंटे? पहल बहुत काम तो है। 1 मिनट बिफोर इफ्तारी। मामा, आपको इफ्तारी में कोई मदद चाहिए? माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, इतना फरमा बरदार बेटा मुझे कहां से मिल गया? बेटा तू कितनी परवाह करता है अपनी माँ की? और ये निकम्मा साला सारा दिन घर में कोई काम ही नहीं करता। लाइफ इन रमजान। क्या स्टार्ट था ये वीडियो का ऑलरेडी। डाइग्रेस हो बुजु अंकल। बेटा पहले भड़ों को वजू करने देते हैं साइड पे। चलो बेटा तुम वजू कर लो। अंकल वजू तो छोड़े, मेरा तो गुस्सल हो गया। चलते हैं नमाज पढ़ने। चलो। The Snapchat girl। मेरे गले में कुछ अटक गया। बुशरा, बुशरा जरा ये बिरयानी को देखना, मैं भी आई। जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये देखें आज मैंने अपनी इफ्तारी के लिए क्या बनाया है। ये बिरयानी मैंने अपने हाथों से बनाई है और ये चिकन कढ़ाई और ये समोसे वाले पकौड़े। जिसका आप देख सकते हैं मैं बहुत घरेलू हूँ, हैशटैग वाइफी मटेरियल। किसी चीज की भी आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप मेक श्योर करें कि आप से पूछे, क्योंकि ये सारा कुछ मेरी अम्मी ने अपने प्यारे हाथों से ही बनाया है। अम्मी मैं बता ही रही थी, आप फिक्र ना करें। जैद अली की मॉम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। द लेजी वन। जैद बेटा सैरी का टाइम हो गया, उठ जाओ। मामा बस 5 मिनट दे दे। 5 मिनट? ठीक है, 5 मिनट तक नीचे होना चाहिए। 5 मिनट। जैद थोड़ी सी शर्म कर लो, अब तो उठ जाओ। आ रहा हूँ मम्मा, 2 मिनट दे देना। अगर तुम 2 मिनट तक नीचे ना आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैद सैरी का टाइम निकल जा रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उठ जाओ। क्या करूंगी मैं इसका? निकल तो नहीं जाएगा ना टाइम सैरी का। मामा मैं आपको बता रहा था सैरी हो जाएगी आराम से, आप ऐसी टेंशन लेती रहती हैं। क्या हुआ? सबको इफ्तारी का टाइम, उल्लू के पट्टे इफ्तारी का टाइम हो गया। धाराम पुलिस इज बैक। क्या लास्ट वीडियो में भी धाराम पुलिस? माशाल्लाह, नमाज पढ़ रहे हैं, नीड फॉर स्पीड की गेम खेल रहा है जो 400 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है। चलो फिर से नमाज पढ़। Been a little too nice to y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice. That's the sound of the police. I won't get involved. This will be wrong. Me, क्या चीज है यार। जहर रहने वाला पक्का।
मैं देख रहा हूँ तुझे शर्म नहीं आती रमजान के महीने में ये काम देखता है। नमाज पढ़। अबे यार किसने जान नहीं छोड़ी। The one who doesn't break rules. पेट में बहुत दर्द हो रही है, बस मगरिब तक वुजू रख लेता हूँ। हाँ बस इशा तक इंतजार कर लेता हूँ, एक घंटा ही रह गया, बस तरावी रह गई है सर, थोड़ी देर और रोक ले, थोड़ी देर और। Honestly, मुझे फाट जोक उतना फनी नहीं लगा था, लेकिन उसके डैड ने, ज़ैद के डैड ने। End of the video. If you guys enjoyed it, make sure to give it a big thumbs up. As always, I just want to wish you guys a very, very happy Ramzan Mubarak. And guys, Yumna has just released a brand new video on her channel. It's a surprise. I don't want to tell you guys what it is, but the link is in the description. Go watch that as well. And last. Okay, तो ज़ैद अली का भी लिंक होगा और यमुना का भी लिंक होगा। जैसे मैं बोल रहा था मुझे फाट जो कितना ज़्यादा फनी नहीं लगा था, लेकिन जब ज़ैद अली के डैड बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गैस पाइपलाइन फट गया, दैट वाज सुपर फनी। और मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट सीन ये था, फर्स्ट वाला सीन। मामा आपको इस कारी में कोई मदद चाहिए? माशाल्लाह, क्योंकि देसी फैमिलीज में ये एक्चुअली होता है, जब बेटा थोड़ा भी हेल्प करने का ऑफर भी करता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली मॉम्स, जबकि बेटियों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो हेल्प करेंगे घर के एक्टिविटीज़ में, घर के कामों में। तो यह लड़कों को बहुत ही अनफेयर बेनिफिट होता है एंड वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है, इंडिया में तो होता ही है एंड ये वीडियो देख के क्लियर है कि पाकिस्तान में भी होता है, कि लड़कों से एक्सपेक्टेशन इतना लो होता है ना कि उन लोग थोड़ा सा कुछ भी कर देना तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर पहुंच जाता है। तो दैट वॉज सुपर फनी बिकॉज बहुत रियलिस्टिक है एंड एवरीथिंग वॉज फनी एक्चुअली देखा जाएगा तो। मुझे ये भी वो वुजू वाला भी बहुत फनी लगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो कितना रियलिस्टिक है, आप लोग को बताना पड़ेगा। एंड स्नैपचैट गर्ल, या दिस वन आई लाइक, क्योंकि उसमें ज़ैद अली की मॉम भी थी एंड हर एक्टिंग वॉज सुपर क्यूट। एक्चुअली अच्छा भी था एक्टिंग, लेकिन इट वॉज क्यूट टू सी देम टुगेदर, ज़ैद अली और उनकी मॉम, तो बहुत अच्छा लगा। आई एम जस्ट रिवाइंडिंग थ्रू द वीडियो देखने के लिए कि मुझे कौन सा अच्छा लगा। ये टिकटॉक वाला पोर्शन भी बहुत ही फनी था। इनफैक्ट मैं खुद टिकटॉक पे रिएक्शंस नहीं बना रहा, आप लोग ने नोटिस किया होगा, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट मैं रमज़ान के टाइम में टिकटॉक रिएक्शंस नहीं बना रहा। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा टिकटॉक रिएक्शंस विल बी बैक। लेकिन अब सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। इनफैक्ट आकाश अभी स्टूडियो में है, वो कुछ काम से स्टूडियो में चला गया था, तो आपको उसका रिएक्शन स्टूडियो में मिलेगा। मेरा नाम है आकाश और आज आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। आज मैं स्टूडियो में हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मत सोचो कि राज मेरे साथ है, राज अपने घर पे है, मैं भी काफी मिस कर रहा हूँ राज को और राज भी काफी मिस कर रहा है स्टूडियो के। हम दोनों एक साथ आने के लिए काफी मतलब बेताब है, लेकिन कोरोना है तो नहीं आ सकते, बट मैं फिर भी आया आज मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं बात करूंगा ज़ैद अली के वीडियो के बारे में जो कि लाइफ इन रमजान है, तो मुझे वो वीडियो काफी फनी लगा मतलब। तो ज़ैद अली का वीडियो यार तो वो तो फनी होते ही है, और वो जो दो तीन वीडियो से जो औरत का रोल निभा रहे हैं ज़ैद अली, तो यार जो बहुत फनी लगा ये वीडियो। और वैसे तो ज़ैद के हर वीडियो यार फनी होता है, तो वो तो आप लोगों को भी पता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। एक बात कहूँ तो मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा वरीड था, मुझे ये डर लग रहा था कि इस वीडियो में थोड़े जोक्स रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ज़ैद अली के एक रमज़ान वाले वीडियो पर रिएक्ट किया था, तो मुझे डर यह था कि उसमें जो जोक्स थे वो शायद रिपीट होंगे या फिर थोड़ा सा चेंजेस करके डालेगा, लेकिन बहुत डिफरेंट था। सो वी शुड अप्रिशिएट ज़ैद अली कि सेम टॉपिक पे दो अलग अलग साल दो अलग वीडियोस बनाए एंड टोटली डिफरेंट था एंड इक्वली फनी था, तो ज़ैद अली को अप्रिशिएट करना बनता है। इट्स नॉट ईजी टू कम अप विद दीज जोक्स और ऐसा स्केट्स। ये जो सेगमेंट है द लेजी वन, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सैजरेटेड है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ने मुझे बताया कि आप लोग उठते हो सहरी के टाइम में,
सहरी कर लेते हो, खा लेते हो, फिर उसके बाद सो जाते हो, फिर जब इफ्तारी का टाइम करीब आता है तो उठ के इफ्तारी कर लेते हो। तो दैट इज़ सुपर स्मार्ट। अगर मैं आप लोग के सिचुएशन में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि भूख प्यास के बारे में सोचना नहीं पड़ता, सफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन ऑब्वियसली ये जोक डिफरेंट था, इसमें ऐसा हो गया कि सहरी के टाइम ये उठा ही नहीं, 5 मिनट 2 मिनट बोल के सो गया और डायरेक्ट इफ्तारी के टाइम उठा। तो मुझे जोक समझ में आया। आई एम जस्ट सेइंग कि आप में से बहुत जन ने मुझे बोला कि ये स्ट्रैटेजी होता है आपका कि सुबह उठो जल्दी, सहरी कर लो, फिर सो जाओ बहुत देर तक, फिर जब शाम होता है इफ्तारी का टाइम होता है तो उठ जाओ। शायद मैं फिर भी ऐसा करता कि नहीं करता पता नहीं, अगर मैं रोज़ा रखता तो शायद मैं सफ़र करना चाहता कि मैं वो फील करूँ भूख प्यास को। आई डोंट नो मैं क्या करता, लेकिन दिस वॉज सुपर फनी। ये वीडियो बहुत मज़ा आया मुझे देखने में, आई होप आपको मेरा रिएक्शन देखने में भी मज़ा आया होगा। अगेन ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, यमुना का भी लिंक होगा, जैद ने बोला था, उसके चैनल को भी चेकआउट करो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।